मैं काजल द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज थाना अहमदपुर के लोग जिस तरह लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं इसका पूरा श्रेय पुलिस को जाता है, इसलिए यहां अभी तक कोई कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। इसी को लेकर हमारे केकेआर न्यूज के रिपोर्टर आदिल खान ने थाना प्रभारी से जानकारी ली। और जैसा कि अभी हम खड़े हैं अहमदपुर में, लॉकडाउन की जिस जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में जिस तरीके का यहाँ पर पुलिस ने इंतजाम किए हैं, जो कि लोग अपने घरों में हैं और सभी दुकानें बंद हैं, तो आइए हम जानकारी लेते हैं थाना प्रभारी जी से कि किस तरीके के प्रयास किए हैं जिसकी वजह से इस तरीके का माहौल बना पाए। सर आपका नाम? नमस्कार, मैं थाना प्रभारी अहमदपुर आपका स्वागत करता हूँ। सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई है, हम सख्ती से पालन करवा रहे हैं। लोगों को लगातार मैसेज कमी करते हैं कितने बजे कितने बजे तक मार्केट खुलेगा, किराने की दुकानों का समय बढ़ा रहे हैं, सब्जी की दुकानों का समय बढ़ा रहे हैं, उसी के अनुरूप दुकानों को खोलने दिया जाता है। और जैसे समाज होता है समय उस समय हमारी गाड़ी पुलिस की लगातार भ्रमण करती है क्षेत्र में, तो दुकानों को बंद कर दिया जाता है, करवा दिया जाता है और लोगों को निवेदन किया जाता है कि अपने घर में और जो नहीं मानते हैं उनके सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जनता का किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? जनता का पूरा सहयोग है, लोग इस गंभीरता को समझ रहे हैं कि ये कोई अकेले की लड़ाई नहीं है, कोई प्रशासन की लड़ाई नहीं है, सब ये एक मिला जुला प्रयास है। जनता का सहयोग नहीं रहेगा तो ये लड़ाई हम निश्चित तौर पर नहीं जीत पाएंगे। लोगों का बिल्कुल भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो सत्ता जितना लोग रहते हैं तो वो हम अपने तरीके से उनको जीत कर देते हैं। बाकी लोग पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों पर उल्लंघन की कार्रवाई की गई है? हमारे यहाँ लगातार 1244 उल्लंघन में अभी तक युद्ध अपराध पंजीकृत किए हैं, क्योंकि एक छोटा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, लोग आराम से निवेदन करने को मान भी जाते हैं। कुछ गाड़ियों को भी पकड़ा गया था, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की, लगभग 50 के आसपास कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई है और 1288/270 की कार्रवाई की गई है। तो अभी तक अच्छा कंट्रोल है हमारा क्षेत्र में और उम्मीद करते हैं इसी तरह से हम सरकार द्वारा जब तक ये लॉकडाउन रहेगा जारी कराया गया है पालन करवा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहमदपुर भोपाल से काफ़ी नज़दीक लगा हुआ गांव है, पर अभी तक सीहोर जिले में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है। तो उसी को देखते हुए कि जो यहां की पुलिस जिस तरीके के प्रयास कर रही है और लोगों से घर में रहने की गुजारिश कर रही है, ऐसा ही हमारे केकेआर न्यूज़ की टीम पूरे भोपाल से कहना चाहती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहना चाहती है कि भाई अपने जो भी हैं अपने घरों में रहें, सेफ रहें और वक्त पे जरूरत पे कोई जरूरत का सामान लेना हो तभी निकले। मैं केकेआर न्यूज से रिपोर्टर आदिल। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें केकेआर न्यूज को और बेल आइकन को क्लिक करें।